हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडियक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका अगस्त स्टार्टिंग से लेके अगस्त मिडिल 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी, पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी, Taurus in love, Taurus is in love spirit, Seven of Cups, Ten of Wands, ओके टॉरस। आई फील ये जो मंथ है, इस मंथ में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन रहेंगे या कुछ लोग अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो। ओके बट आई फील ये जो भी सारे ऑप्शंस है, आप काइंड ऑफ इन ऑप्शन से खुश नहीं हो या आपको लग रहा है कि ये ऑप्शंस काइंड ऑफ आप सैटिस्फाइड नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे टॉरस। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, या आप रिकन्साइल करना चाह रहे हो किसी के साथ। ओके सो द एनर्जी इज लाइक ओके सो आई फील टॉरस यहाँ पे आप आपका जो मेन डिस्ट्रैक्शन है वो कोई इंसान है। ओके यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप है, कनेक्शन है जो आप चाहते हो, ठीक है। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, ये या फिर ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिन्हें आप लाइक पसंद करते हो या ऐसा कुछ, एंड आप इस पर्सन के साथ कुछ चाह रहे हो, रिलेशनशिप समथिंग, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों को रोक रहे हैं। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। एंड आपके आसपास जो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है या जो सारे रास्ते अवेलेबल है वो आपके लिए ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है। उन सारे रास्तों को आप देखना नहीं चाहते, उन सारे ऑप्शंस को आप देखना नहीं चाहते। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप जानबूझ के अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, बिकॉज आप लाइफ में फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो। बट जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है या जो भी लोग आपके आसपास है जिन्हें आप ऑप्शंस की तरह देख रहे हो, उन लोगों से आप खुश नहीं हो या लाइक आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो। आपको लगता है वो जो पर्सन थे एक ही पर्सन है आपके लाइफ में, एंड वो पर्सन आपको जितना हैप्पी बना सकते हैं या वो पर्सन आपको जितना अच्छा फील करा सकते हैं लाइफ में, वैसा कोई और नहीं है आपके आसपास या वैसा कोई और कर नहीं सकता है। सो आप चाह के भी स्टक हो, आप चाह के भी अपना ऑप्शंस ओपन नहीं रख पा रहे हो या रख के भी आप खुश नहीं हो, आप सैटिस्फाइड नहीं हो। एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल हो टॉरस, आई फील आपके आसपास जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जो भी प्रपोजल्स मिल रहे हैं, जो भी लोग आपको मिल रहे हैं जो आप में इंटरेस्ट रख रहे हो, आई फील उन लोगों से आप इम्प्रेस्ड नहीं हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि उन लोगों में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है या बेसिकली आपको वो लोग पसंद नहीं आ रहे हैं जिन लोगों को आप पसंद आ रहे हो। That is the energy. So basically आप stuck feel कर रहे हो, आप बहुत ही stuck feel कर रहे हो, and you're like मैं bored हूँ, I'm bored, कि what I want, मुझे life में जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, and
मुझे जो मैंने जो सोचा था जो मुझे चाहिए उन सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. सो इस वक्त आपको इम्प्रेस करना या आपको सेटिस्फाई करना इस कनेक्शन में या बेसिकली लव सिचुएशन में बहुत मुश्किल है टॉरस, बिकॉज आपकी एनर्जी वैसी है एंड ये आपकी गलती नहीं है. सो आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पे. आई फील आपके जो पर्सन है टॉरस, ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. आई फील आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन को आप अकेले छोड़ दिए हो अंधेरे में, या फिर आपके पर्सन को लगता है आपके पर्सन खो गए हैं, खुद को खो चुके हैं. इनको ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में आपके साथ, या फिर इनको लग रहा है दैट टॉरस इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, या टॉरस इस कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है. टॉरस के लिए ये कनेक्शन बोझ है, टॉरस ने ऐसा कहा था मुझसे, या मुझे ऐसा लगता है दैट टॉरस रेडी है मूव ऑन करने के लिए. एंड बेसिकली आपके पर्सन को जो लग रहा है इज़ दैट आपके पर्सन एक तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त, एंड आई डोंट केयर उनके साथ कौन है, क्या है, उनका क्या सिचुएशन है. इट्स जस्ट दैट आपके बिना आपके पर्सन बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रू. इस पर्सन को लग रहा है दैट टॉरस के बिना वो खुश नहीं है, टॉरस के बिना कहीं ना कहीं इनको अकेला महसूस हो तो रहा है, बट इनको ज़्यादा होप इसलिए नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज उनको लगता है दैट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप आगे बढ़ गए हो, आप इस कनेक्शन पे और ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हो, या आप इस कनेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो. एंड आई फील आपके पर्सन हद से ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है इस सिचुएशन में. आई फील आप तभी भी ओपन हो इस कनेक्शन को एक और चांस देने के लिए. कुछ लोग आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, बट आपके पर्सन जो है आई फील दैट ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल इतने होपलेस है दैट ये पर्सन एकदम चुप हो गए हैं, या ये पर्सन एकदम आई एम हियरिंग स्पीचलेस काइंड ऑफ लाइक इस पर्सन के पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को. इस पर्सन के पास कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये आपको उम्मीद दे, या फिर कि ये आके कुछ कहे, एक्सक्यूज़ बनाए, या कुछ एक्सप्लेनेशन दे, बिकॉज ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, बिकॉज इनके पास कुछ है नहीं बोलने का. सिंपल. आई फील ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस कन्फ्यूशन से वो इस ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हो चुका है, इस साइलेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त आप दोनों के बीच में है. सो इस वक्त ये पर्सन जो है ये बहुत गहरी सोच में है एंड ये बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं. सो आई डोंट नो ये पर्सन कौन से सिचुएशन में है, बट जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो ये पर्सन बिल्कुल अकेले है एंड ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं सिचुएशन को. ये एक वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, या इस कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस के साथ वो डील कर पाए. आपके पर्सन इसलिए चुप है बिकॉज ये पर्सन बहुत ही सैड है, या तो ये पर्सन बहुत ही चुप हो गए हैं बिकॉज इनके पास कुछ है नहीं और कहने का या कुछ करने का ज़्यादा एनर्जी बचा नहीं है उनके पास. इनका एनर्जी बहुत टायरिंग है. ठीक है. आई फील आपके पर्सन आपके बारे में थोड़ा से कन्फ्यूज्ड है. ये पर्सन आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आप कौन से सिचुएशन में हो इस वक्त, क्या आप खुश हो, क्या आप दुखी हो, आप क्या चाहते हो इस पर्सन से. उस चीज़ का क्लैरिटी ये पर्सन लेना चाहेंगे, या उस चीज़ का क्लैरिटी ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं. बट ये पर्सन का जो माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिवली काम कर रहा है इस वक्त. वो बहुत नेगेटिव है, वो बहुत ही थक गया है बोल सकते हो, थक चुके हैं ये पर्सन. मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ड्रेन्ड है ये पर्सन. ठीक है.
अगर मैं जोडियाक्स की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आपका करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। टॉरस, करियर एंड फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय टॉरस इज हियर। King of Pentacles, King of Cups, wow. Six of Cups, Eight of Pentacles. मुझे जो first message आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे अपने family को financially help करना चाहते हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपसे हेल्प की ज़रूरत पड़े, ठीक है। एंड ये कोई ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, बस थोड़े बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर किसी को, सिर्फ फैमिली क्यों, यहाँ पे किसी को आपसे हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, फिनेंशियल हेल्प। एंड अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, यू नो, आप करना अगर चाहते हो आप करके देख सकते हो। सो आई फील दैट आपका जो ओवरऑल इस मंथ का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है मुझे। कोई खास ब्लॉकेजेस नहीं है आपके फाइनेंसेस में। मेन एनर्जी मुझे वही मिल रहा है दैट आपका जो फैमिली है या आपके जो लव्ड वंस है या आपके करीब का कोई पर्सन, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका कोई कज़िन, रिलेटिव, आई डोंट नो, कोई करीब के कोई इंसान को थोड़ा हेल्प की ज़रूरत हो सकता है इस मंथ। वो हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल हेल्प मोस्टली हो सकता है, बट ये कुछ और हेल्प भी हो सकता है, जैसे एडवाइस की ज़रूरत पड़े, या मे बी आप अगर लॉयर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड इस पर्सन को कुछ लीगल चीज़ों में आपकी हेल्प चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं आके। सो अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, आप इंजीनियर हो, एंड वैसे कोई काम का ज़रूरत पड़े, आपको ये पर्सन मिल सकते हैं ऑफ़र के साथ। सो किसी ना किसी को आपका हेल्प की ज़रूरत पड़ सकता है, एंड ये जेन्युइन हेल्प है, इसमें मुझे कुछ बुरा नज़र नहीं आ रहा है। सो अगर ये पर्सन आपको हेल्प चाहे आपसे, एंड अगर आप वो कर पाओ तो अच्छा रहेगा। देन आई सी हियर इज़ मुझे आपका एनर्जी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मंथ, बिकॉज आई कैन सी दैट आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने फाइनेंसेस पे, अपने पैसों पे, अपने मनी पे, जो आप पहले नहीं थे। आई थिंक पहले आपका जो एनर्जी था वो काफ़ी भटका हुआ था, वो काफ़ी इधर उधर था, कन्फ्यूज थे आप, आप एक बार ये सोच रहे थे, वो सोच रहे थे पास्ट में, या फिर आप दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, या किसी और सिचुएशन पे, इंसान पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, डिपेंडेंट थे फिनेंशियली या कहीं कैसे भी। बट आई थिंक इस वक्त जो है वो आप पूरा अपना अटेंशन खुद को दे रहे हो एंड आप खुद हार्ड वर्क कर रहे हो। सो आई डोंट फील कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो या आप किसी और की बातों पे ज़्यादा गौर कर रहे हो। पास्ट में मे बी आपने बहुत सारा फेलियर गो थ्रू किया है, या आप जो करना चाहते थे वहाँ पे रिपीटेडली आपको फेलियर मिला है, रिपीटेडली आपको रिजेक्शन मिला है किसी चीज़ में, किसी एरिया में, किसी जॉब में, या किसी करियर सिचुएशन में। एंड स्पिरिट इज़ शोइंग दैट आप धीरे धीरे उस चीज़ से रिकवर कर रहे हो। सो जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है, जो भी इश्यूज़, जो आपके लिए काफ़ी डार्क टाइम था, जो काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक एक टाइम रहा है कुछ महीनों पहले, दिनों पहले या सालों पहले, आई फील धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हो, धीरे धीरे आप एक ऐसे जगह पे आ रहे हो लाइफ में जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो,
जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आपको जितना मिल रहा है वो आपके लिए एनफ है एंड आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से काफ़ी हैप्पी हो टॉरस। सो आई कैन सी ओवरऑल आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा ही है, आप काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हो मुझे, आप में कोई भी निराशा नज़र नहीं आ रहा है आपके पैसों या करियर के वजह से। बस यही है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो आप वो मेहनत करें, पास्ट में जो भी लॉसेस आपने देखा है, जो भी नेगेटिविटी आपने फेस किया है वो आपको फिर से फेस नहीं करने पड़ेंगे, उन सारे लॉसेस से, उन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हो, आप अपना लाइफ धीरे धीरे बैलेंस्ड बना रहे हो एंड पास्ट में आप जो भी कंफ्यूजन में थे, पास्ट में आप जो भी गलत डिसीशंस लिए थे या गलत लोगों पे भरोसा किए थे, अगर आई फील इस वक्त आप वो नहीं कर रहे हो, आप इस वक्त सिर्फ खुद पे भरोसा कर रहे हो एंड आगे देख रहे हो लाइफ में एंड जो कि सही कर रहे हो आप, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। सो ओवरऑल इट्स ऑल गुड टॉरस, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा है कहने को या कुछ ज़्यादा टेंशन की बात है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस या एडवाइस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। सॉरी, ओके, लेट्स सी यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है टॉरसेस के लिए। यूनिवर्सल मैसेजेस, नाइन, रेस्ट एंड रिकंसिडर, फिर से नाइन, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, नंबर टू, फाइन बैलेंस। ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दैट नंबर नाइन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है दैट कुछ एंड होना ज़रूरी है ताकि कुछ बेटर शुरू हो सके एंड इस एंडिंग से कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये कुछ डरावनी एंडिंग्स नहीं है। आई फील दैट जो भी आपके लाइफ में इस वक्त एंड हो रहा है, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई एक्सपेक्टेशन जो आपका बहुत हाई था, किसी ऐसे जगह पे अपने लाइफ में जो आपने बहुत कुछ सोचा था होगा बट कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली, जो भी चीज़ ख़त्म हो रहा है, जो भी चीज़ आपको लग रहा है आपके कंट्रोल के बाहर चला गया है या जो चीज़ काफ़ी नेगेटिव हो चुका है आपके लाइफ में, आई फील इट इज़ टाइम कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, लेट गो कर दें, उस चीज़ पे कंट्रोल ना जमाएं, बिकॉज अगर कुछ चीज़ एंड होगा तभी कुछ नया उसके जगह पे आ सकता है। सो ये टाइम है आप रिलैक्स करें, आप थोड़ा सा रेस्ट करें, इस टाइम में आपको कोई हड़बड़ी नहीं करना है लाइफ में, आपको कोई भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं करना है, आपको घोड़े पे नहीं सवार होना है, आपको रिलैक्स करके बैठना है एंड देखना है दैट नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए क्या लाता है। बेसिकली कंट्रोल को लेट गो करना है, कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को। सॉरी, अगर कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि इसको होना ही पड़ेगा, इसको करवा के ही दम लेंगे, करवा के ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेट इट गो, लेट इट गो, बिकॉज यूनिवर्स का कोई और प्लान है आपके लिए। अगर कुछ यूनिवर्स आपसे लेता है, आपको बदले में उससे भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको देता भी है, ठीक है। सो डू नॉट वरी, आपके लाइफ में जो आ रहा है दैट इज़ बैलेंस, हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस, ठीक है। सो जो भी डार्क टाइम है, जो भी बुरा टाइम है आपका, बुरे लोग थे आपके लाइफ में, आई थिंक धीरे धीरे यूनिवर्स उन सारे लोगों को, सिचुएशंस को आपके लाइफ से बाहर निकाल रहा है एंड बदले में आपको जो मिल रहा है वो है बैलेंस, वो है शांति, वो है बेटर फ्रेंड्स, बेटर लोग, हैप्पी बिगिनिंग्स, नई चीज़ें, नई ऑफर्स, एक नया लाइफ, एक नई साइकिल। सो आई फील वो आपके लिए बेटर है कि आप कंट्रोल को छोड़ दें एंड आप रिलैक्स होके बैठ जाए एंड जस्ट एन्जॉय लाइफ राइट नाउ।
ठीक है, जो भी कर रहे हो लाइफ में रिलैक्स होके करो इस वक्त, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, कंट्रोल मत करो, चीज़ों को रेसिस्ट मत करो, जो भी हो रहा है उसको होने दो, बिकॉज यूनिवर्स का जो प्लान है आपके लिए वो बहुत बड़ा प्लान है एंड वो बहुत हैप्पी प्लान है. ओके, सो जो भी आपको लग रहा है कि अभी बैलेंस के बाहर चला गया है लाइफ में, कंट्रोल के बाहर हो गया है, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, वो ऑटोमेटिकली आपका टेंशन मिट जाएगा. ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल के बाहर है वो कंट्रोल में आ जाएगा. जहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे बैलेंस आ जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी टॉरस, यू डोंट हैव टू वरी, आप प्रोटेक्टेड है, आप ब्लेस्ड है एंड यूनिवर्स को पता है आपके साथ क्या हो रहा है. आपके कंट्रोल में भले ही कुछ ना हो बट यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है. सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.